काल में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर कोरोना की बुरी नजर ना पड़ी हो। चौतरफा नुकसान हो रहा है, त्योहारों को फीका कर दिया है, छोटी छोटी खुशियां गायब हो गई हैं, बाजारों की रौनक खत्म हो रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं ज्वेलरी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों में खरीदारी के लिए पहुंचती थी, अब वहां भी सन्नाटा पसरा है। इस समय कोरोना की वजह से बहुत हल्की है, पिछली साल की अपेक्षा इस साल ये मान लो कि लगभग तिहाई बिक्री है। दिन भर बैठा रहता हूँ, एक दो ग्राहक आ गए तो आ गए, और तो ऐसी है, वैसे हर साल भीड़ रहती थी, समझ लो कि ग्राहकों को चलाने के लिए दो दो तीन तीन लोग यहाँ आवश्यकता पड़ती थी, अकेले बैठे हुए हैं। इस समय बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। व्रत से पहले बाजार में चहल पहल बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। बाजारों में भीड़ भाड़ कम दिख रही है, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देनी बंद हो गई है, दुकानदार मायूस नजर आते हैं। दुकानदारी तो हो ही नहीं रही है इस टाइम। पहले तो इस टाइम बहुत मार्केट भर जाता था, अब तो बिल्कुल खाली है। और दुकानदारी 100 में 20% है, वो शाम तक ग्राहक आते हैं 2-4 छः, वैसे दुकानदारी बहुत। अब क्या करें बताओ, पैसे तो अब निकलना, अब वो तो जो एक महीना में निकलता था, अब वो अब 6 महीने में निकल पा रहा है। कितनी भीड़ रहती है इस टाइम करवा चौथ? बहुत तेज भीड़ थी, अब तो इस टाइम भीड़ के अभी तो मोनी नहीं हो रही है। करवा चौथ से पहले दुकानें खचाखच भरी रहती थी, दुकानों पर भीड़ इकट्ठा रहती थी, लेकिन इस बार अभी तक बोनी तक नहीं हुई और माल का पैसा भी निकालना मुश्किल लग रहा है। ग्राहक ना आने पर दुकानदारों में मायूसी दिख रही है और दुकानों पर सन्नाटा छाया रहता है। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।